अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शाहीन और मेरे चैनल का नाम है शाहीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टमाटर के बे इंतहा फ़ायदों के साथ एंटी एजिंग फेस पैक और उसके साथ वाइटनिंग। आज मैं आपको बताऊँगी कि टमाटर में कौन कौन से वाइटामिन पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है और विटामिन ए है। ये हमारी स्किन को लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, हमारी स्किन को यंग करते हैं, हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं और स्कार को रिमूव करते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। इंग्रेडिएंट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। उसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर प्लीज़ लाजमी करें ताकि इसको दूसरों को भी। हम एक टमाटर लेंगे और उसे दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें फोक से सुराख कर लेंगे अच्छे से। सुराख करने के बाद हम एक चम्मच शहद लेंगे और अच्छे से उस पर डाल के अच्छी तरह मिक्स। उसके बाद आपने उसे इस तरह मूव करना। सर्कुलेशन मूवमेंट में करना पूरे चेहरे पर। ये आप डेली बेस पर करें, इससे आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे। इसे आपने 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद हम 10 मिनट के लिए एज अ मास्क इसको छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल ग्लो है। अब हम बनाएंगे वाइटनिंग टोनर। इसके लिए आपको एक MPT बोतल चाहिए होगी स्प्रे की। इसमें हम इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे और क्या गुलाब, और उसके साथ वाइट वेनेगर। बाद इसको बंद करके अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद आप जब भी अपना फेस वॉश करके आए तो इसका स्प्रे लाजमी करें। इससे आपकी स्किन वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले मैं एक बार आपसे फिर गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो।